हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ज्ञान यूजीसी नेट कॉमर्स। तो आज हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। श्योरिटीज की लाइबिलिटी किस हद तक जा सकती है, क्या उनका नेचर है, वो डिस्कस करेंगे। कॉन्टिन्यूइंग गारंटी क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे, और कैसे हम उसको रेवोकेट कर सकते हैं, रेवोकेशन ऑफ कॉन्टिन्यूइंग गारंटी। नेक्स्ट हम बात करेंगे राइट ऑफ श्योरिटी, क्या क्या राइट्स हैं श्योरिटी को, और किस किस केसेस में जो श्योरिटी की जो लाइबिलिटीज़ हैं वो डिस्चार्ज हो सकती हैं। लाइबिलिटीज़ किस किस केसेस में हम डिस्चार्ज कर सकते हैं श्योरिटी की, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट। तो यह कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, वो डिफरेंसेस देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पार्टीज। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटीज में दो पार्टीज होती है, इंडेमनीफायर जो लॉस को रिमबर्स या कंपनसेट करता है, दूसरा होता है इंडेमनिटी होल्डर जो लॉसेस सफ़र करता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में तीन पार्टीज होती हैं, प्रिंसिपल डेटर जिसको लोन चाहिए, क्रेडिटर जो लोन देता है, एंड श्योरिटी जो अगर प्रिंसिपल डेटर ने कुछ डिफॉल्ट करा है उस डिफॉल्ट की गारंटी श्योरिटी देता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का? मेन ऑब्जेक्ट ये होता है कि अगर इंडेमनिटी होल्डर को कुछ लॉसेस होते हैं, वो सारा लॉसेस जो है वो रीइंबर्स हो जाए, और रीइंबर्स कौन करता है? रीइंबर्स इंडेमनीफायर करता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि कोई पर्सन अगर कुछ डिफॉल्ट करे, उस डिफॉल्ट की एक गारंटी हो जिससे एक सिक्योरिटी बनी रहे क्रेडिटर्स को, डिफॉल्ट क्रेडिटर्स को लोन देने में इजी रहे और उनका फंक्शन जो है स्मूथ चले, उनको गारंटी मिले कि अगर कई पार्टी डिफॉल्ट करती है तो दूसरी पार्टीज है जो सारा का सारा पेमेंट करेंगी। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में वन कॉन्ट्रैक्ट होता है किस किस के बीच में? इंडेमनीफायर और इंडेमनिटी होल्डर के बीच में। वहीं पे अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में थ्री कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। थ्री कॉन्ट्रैक्ट्स किस किस के बीच में होते हैं? प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर के बीच में, क्रेडिटर एंड श्योरिटी के बीच में, एंड प्रिंसिपल डेटर एंड श्योरिटी के बीच में। नेचर ऑफ लाइबिलिटी, यहाँ पे जो प्राइमरीली लाइबिलिटीज़ है लॉसेस को रीइंबर्स करने की या लॉसेस को सफ़र करने की, वो प्राइमरली लाइबिलिटी यहाँ पे इंडेमनीफायर की है। इंडेमनिटी होल्डर को अगर कोई भी लॉसेस होते हैं, वो सारी की सारी जो लाइबिलिटी है लॉसेस को कौन कवर करेगा? इंडेमनीफायर। वहीं पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में जो लोन को रीपेमेंट करने की पहली लाइबिलिटी किसकी है? पहली लाइबिलिटी है प्रिंसिपल डेटर की। और अगर वो कुछ डिफॉल्ट करता है वो, या कुछ इंसॉल्वेंसी अराइज होती है प्रिंसिपल डेटर की, तो उस केसेस में यहाँ पे सेकेंडरी लाइबिलिटी किसकी हो जाएगी? श्योरिटी को। अब यहाँ पे श्योरिटी जो है वो सारी की सारी पेमेंट या डेट वो देगा, सारी की सारी पेमेंट किसको देगा? क्रेडिटर को देगा। अब होती है रिक्वेस्ट ऑफ डेटर। नेक्स्ट स्टेप है रिक्वेस्ट ऑफ डेटर। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता रिक्वेस्ट। यहाँ पे इंडेमनीफायर एज अ वर्क करता है इंडिपेंडेंट। अगर इंडेमनिटी होल्डर को कोई लॉसेस होते हैं तो सारा का सारा इंडेमनीफायर कवर करेगा। वहीं पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में प्रिंसिपल डेटर जो है वो स्पेशली रिक्वेस्ट करता है श्योरिटी को कि उसकी सारी की सारी डेट्स की वो गारंटी दे दे क्रेडिटर को। नाउ नेक्स्ट इज द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ श्योरिटी लाइबिलिटी। श्योरिटी की क्या क्या लाइबिलिटीज हैं और क्या क्या उसके नेचर हैं? तो सबसे पहले जो लाइबिलिटी है श्योरिटी की वो सेकेंडरी है। प्राइमरी लाइबिलिटी किसकी होती है? प्रिंसिपल डेटर की। और सेकेंडरी लाइबिलिटी श्योरिटी की, अगर कुछ भी डिफॉल्ट करे प्रिंसिपल डेटर तभी लाइबिलिटी अराइज होगी श्योरिटी की। तो सेकेंड पॉइंट है कि लाइबिलिटी कहाँ से स्टार्ट होती है? जब डिफॉल्ट करे प्रिंसिपल डेटर, जब
डिफॉल्ट करे प्रिंसिपल डेटर डेट्स ना देने में या कुछ भी केस हो, इंसॉल्वेंट हो जाए प्रिंसिपल डेटर, तो सारे के सारे लाइबिलिटी यहाँ पे फिर श्योरिटी की अराइज होती है. श्योरिटी नॉट लाइबल इन केस ऑफ क्रेडिटर ऑब्टेन द लाइबिलिटी बाय मिसरिप्रेजेंटिंग अ मटेरियल ऑफ फैक्ट्स. अगर क्रेडिटर श्योरिटी से गारंटी ले लेता है बाय रिप्रेजेंटिंग अ फॉल्स स्टेटमेंट और हाइडिंग समथिंग और ऐसी कोई चीज़ जो गलत तरीके से रिप्रेजेंट की गई है या मटेरियल्स कुछ फैक्ट्स जो है वो हाइड करे हुए हैं, तो यहाँ पे जो श्योरिटी है, श्योरिटी की लाइबिलिटीज अराइज नहीं होती. नेक्स्ट पॉइंट, प्रिंसिपल डेटर एंड श्योरिटी को लॉ जो है वो सिंगल पर्सन ट्रीट नहीं करता. सिंगल पर्सन ट्रीट क्यों नहीं करता? क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है, प्रिंसिपल डेटर एंड श्योरिटी के बीच में अलग कॉन्ट्रैक्ट है, श्योरिटी एंड क्रेडिटर्स के बीच में अलग कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसलिए लॉ जो है वो प्रिंसिपल डेटर एंड श्योरिटी को सिंगल पर्सन ट्रीट नहीं करता, अलग अलग ट्रीट करता है क्योंकि अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है. एंड नेक्स्ट, डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ. अगर जो प्रिंसिपल डेटर है उसकी ऑब्लिगेशन जो है वो लॉ बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ डिस्चार्ज हुई है. बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ कैसे? मतलब प्रिंसिपल डेटर जो है यहाँ पे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया है, तो सारी की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अब वो कौन करेगा? वो सारी जो लाइबिलिटीज़ या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो हो जाएंगी श्योरिटी की. अब श्योरिटी यहाँ पे परफॉर्म करेगा, श्योरिटी कुछ इस चीज़ में कुछ नहीं बोलेगा, उसको वो ऑब्लिगेशंस हैं और वो परफॉर्म करनी ही पड़ेगी, यहाँ पे वो कुछ बोल नहीं पाएगा. तो ये है नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ श्योरिटी लाइबिलिटीज़, कुछ कॉन्सेप्ट जो इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो मैंने आपको कुछ यहाँ पे पॉइंट्स में बता दिया है. कॉन्टिन्यूइंग गारंटी, देखो गारंटी दो तरह की होती है, एक तो ऑर्डनरी गारंटी और दूसरा होता है कॉन्टिन्यूइंग गारंटी. अब ऑर्डनरी गारंटी और कॉन्टिन्यूइंग गारंटी होती क्या है? जब कोई इंसान एक गारंटी देता है किसी स्पेसिफिक और सिंगल डेट के लिए, तो उस गारंटी को हम क्या बोलते हैं? उस गारंटी को हम बोलेंगे ऑर्डनरी गारंटी. वहीं पे अगर कोई गारंटी जिसमें सीरीज ऑफ सेपरेट ट्रांजेक्शन है, तो ऐसी गारंटी को हम कॉन्टिन्यूइंग गारंटी बोलते हैं. कॉन्टिन्यूइंग मतलब कॉन्टिन्यूसली चले जा रही हैं, सीरीज है, ट्रांजेक्शन होती जा रही है, तो वो होता है कॉन्टिन्यूइंग गारंटी. नाउ नेक्स्ट इज रेवोकेशन ऑफ कॉन्टिन्यूइंग गारंटी. अब रेवोकेशन ऑफ कॉन्टिन्यूइंग गारंटी कब कब हो सकती है? जब या तो श्योरिटी जो है वो खुद से नोटिस दे दे रेवोकेशन का, कि वो फर्दर कुछ परफॉर्म ऑब्लिगेशन जो है वो परफॉर्म नहीं करेगा, या इन केस ऑफ डेथ ऑफ श्योरिटी की, अगर डेथ हो जाती है श्योरिटी की तो वो परफॉर्म नहीं करेगा. जब इंसान ही नहीं है तो परफॉर्म कहाँ से करेगा, वो ऑब्लिगेशंस तो वहीं पे डिस्चार्ज हो जाएंगी. या कोई भी वेरिएशन हुई है, कुछ चेंजेस हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट में, तो यहाँ पे रेवोकेशन हो जाएगी कॉन्टिन्यूइंग गारंटी की. नाउ नेक्स्ट इज डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर. अगर प्रिंसिपल डेटर ने अपने बिहाव से सारी ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज कर दी है तो फर्दर कोई ऑब्लिगेशन अराइज नहीं होती और वो वहीं पे सेटल डाउन हो जाता है. या बाय अरेंजमेंट ऑफ प्रिंसिपल डेटर, अगर क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के बीच में कुछ अरेंजमेंट होते हैं जिससे क्रेडिटर उस प्रिंसिपल डेटर्स को प्रॉमिस करता है कि वो फर्दर कोई एक्शन नहीं लेगा, तो ऐसे में तब भी वो डिस्चार्ज हो जाएगा.
श्योरिटी के कुछ कुछ राइट्स हैं सेक्शन 140, 141 एंड 145 के अंडर। तो पहला राइट है राइट अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर। तो अगर प्रिंसिपल डेटर ने कुछ डिफॉल्ट करा और उस डिफॉल्ट की सारी जो पेमेंट है वो सारी सेटल डाउन श्योरिटी ने करी, क्रेडिटर को श्योरिटी ने सारी पेमेंट दी, तो उस केसेस में जो राइट थे क्रेडिटर को अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर, वो सारे के सारे राइट श्योरिटी को मिल जाएंगे अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर सेक्शन 140 के अंडर। सेक्शन 141 में बोलता है कि श्योरिटी यहाँ पे एलिजिबल हो जाता है सिक्योरिटी के लिए, और वो सिक्योरिटी के बेनिफिट्स ले सकता है जो एग्रीमेंट में थे बिटवीन क्रेडिटर एंड प्रिंसिपल डेटर के। जो एग्रीमेंट प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर ने करा था सिक्योरिटी से रिलेटेड, वो सारे के सारे राइट्स जो है श्योरिटी को मिल जाएंगे, श्योरिटी क्लेम कर सकता है। सेक्शन 145, सेक्शन 145 में जो श्योरिटी है उसको राइट है राइट टू क्लेम इंडेमनिटी, क्योंकि जो जो प्रिंसिपल डेटर है और श्योरिटी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बना था जिसमें श्योरिटी ने एग्री करा था कि वो गारंटी देगा, और प्रिंसिपल डेटर ने एग्रीमेंट करा था कि अगर श्योरिटी को उसकी वजह से कुछ भी डिफॉल्ट होता है तो सारे के सारे लॉसेस जो हैं वो कंपनसेट कौन करेगा, प्रिंसिपल डेटर। तो इसलिए उसके पास रिकवर है, इसलिए उसके पास राइट है रिकवर करने का अपने लॉसेस को, किससे, प्रिंसिपल डेटर से। डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी फ्रॉम लाइबिलिटीज, तो वो कौन कौन से केसेस हैं, बाय द नोटिस ऑफ रेवोकेशन, ये हमने पहले पढ़ा, नोटिस की श्योरिटी नोटिस दे सकता है रेवोकेशन का, या बाय द डेथ ऑफ श्योरिटी कि इन केस अगर श्योरिटी की डेथ हो जाए तो भी उसकी लाइबिलिटीज डिस्चार्ज हो जाएंगी, कोई कॉन्ट्रैक्ट में कुछ वेरिएशन हो तो भी उसकी लाइबिलिटीज डिस्चार्ज हो जाएंगी, या प्रिंसिपल डेटर ने ऑलरेडी जो है अपनी लाइबिलिटीज परफॉर्म कर ली हैं और अपनी लाइबिलिटी को डिस्चार्ज कर दिया है तो ऑटोमेटिक श्योरिटी की भी लाइबिलिटी डिस्चार्ज हो जाएंगी बाय द अरेंजमेंट ऑफ प्रिंसिपल डेटर। अगर क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के बीच में कुछ स्पेशल अरेंजमेंट होते हैं जिससे क्रेडिटर जो है वो ये प्रॉमिस करता है प्रिंसिपल डेटर को अगर उसने पेमेंट नहीं करी तो उसके अगेंस्ट वो कुछ एक्शन नहीं लेगा, तो इस केस में भी जो श्योरिटी है उसकी लाइबिलिटीज डिस्चार्ज हो जाएंगी। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट, अगर कुछ इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, इनवैलिड कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे इनवैलिड ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ऑटोमेटिक श्योरिटी की जो लाइबिलिटीज हैं वो डिस्चार्ज हो जाएंगी इस केसेस में। सो थैंक यू एवरीवन, आई होप आपको समझ आ गया होगा।